सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। तो नमस्ते सभी को इस सुबह के सत्र में, मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सभी लोग मिलके एक प्रोसेस में जा रहे हैं, एक प्रक्रिया को कर रहे हैं, ध्यान देने की प्रक्रिया, स्वयं को देखने की प्रक्रिया। और इस पूरे प्रोसेस में जाते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, और जब शेयरिंग कर रहे हैं तो हम सबका ही किसी ना किसी चीज पर ध्यान जाता है। तो ये शेयरिंग से हम सबका ही ग्रोथ हो रहा है, म्यूचुअल ग्रोथ हो रहा है। तो इसी शेयरिंग के क्रम में हम लोग अब अपनी शेयरिंग में स्टेप 1 2 3 4 तक की बात को जो देख पा रहे हैं, जितना कर पाए हैं, जितना ऑब्जर्व कर पाए हैं, उन सबको हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ब्रीफली मैं एक बार स्टेप्स को रख देता हूँ, फिर आप लोग के शेयरिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आज से स्टेप 4 पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टेप 1 में देखेंगे, तो स्टेप 1 में सिंपल हम लोग ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहे हैं, विचार चल रहा है, उसको मैं देखने का काम कर रहा हूँ। इनिशियली हो सकता है हमको ऐसा लगे कि दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम उसको होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ देखने का काम करेंगे, तो फिर हमको धीरे धीरे आशा दिखाई देगा, उससे सूक्ष्म में विचार दिखाई देगा, फिर उससे सूक्ष्म में भाव दिखाई देगा। तो यहाँ तक देखने की सूक्ष्मता पर हमको काम करना है। तो जब ऑब्जर्व कह रहे हैं, देखना कह रहे हैं, तो ऑब्जर्व का मतलब ही यही है कि एज इट इज देखना। एज इट इज हम तभी देख पाएंगे जब हम उसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, तो जैसा हो रहा है वैसा देखना। तो ऐसा करते हुए अपने भाव को देख रहे हैं, और जब भाव को देख पा रहे हैं तो स्टेप 2 और 3 में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो मैं इस बात को देख पा रहा हूँ कि सहज भाव से मैं सुखी होता हूँ, असहज भाव से दुखी होता हूँ। और इस आधार पर देखेंगे तो मेरे भाव के आधार पर ही सुख दुख तय हो रहा है। और ये सब करते हुए हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। मैंने कई बार इस बात को ध्यान दिलाया है कि जब भी हम रिएक्शन देते हैं तो उसका इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं, और एक बार इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसमें हम कुछ प्लस माइनस करने लगते हैं, फिर तो उसको देखने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, फिर उसके साथ बहने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब करते हुए हमको इसका सावधानी रखना है कि हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। फिर जब इतना क्लियर हो गया है कि सहज भाव से मैं सुखी हो रहा हूँ, असहज भाव से मैं दुखी हो रहा हूँ, और मेरे भाव के आधार पर मेरा सुख दुख ही है तय होता है, तो अब मैं अपने से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है। और ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यहाँ जाके तय होगा कि अब मुझे काम कहाँ करना है, मेरी नीड क्या है। तो अगर मुझे ये दिख जाए कि जो भी निर्णय चल रहा है, जो भी भाव विचार चल रहा है, उसका निर्णय मैं ले रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, ये नीड बन जाएगी। मुझे अपने को और ध्यान से देखना है, ये नीड बनेगी। एक बार मेरी आवश्यकता बन जाएगी तो फिर मैं अपने ऊपर काम करने लगूंगा, वो सहज रूप से ही उसका ध्यान जाने लगेगा अपना। लेकिन अगर ये इम्प्रेशन अभी भी बना हुआ है कि बाहर की स्थिति परिस्थिति मेरे दुख या सुख का स्रोत है, तो स्वयं पर काम करने की आवश्यकता नहीं बनेगी, फिर ऐसा लगेगा कि बाहर की स्थिति परिस्थिति को ही पहले ठीक कर लेते हैं। इसी तरह अगर ये इम्प्रेशन बना हुआ है कि दूसरे व्यक्ति से मेरे भाव विचार चल रहे हैं, सुख दुख हो रहा है, तो फिर से मुझे अपने ऊपर काम करना है, इसकी आवश्यकता नहीं बनती है, और मैं दूसरे व्यक्ति को ठीक करने का प्रोग्राम बना लूं, इसकी आवश्यकता लगने लगती है। ये बात ठीक से दिख जाए कि मेरे सुख दुख का स्रोत है जो मेरे में भाव विचार चल रहा है, ये मेरा ही किया हुआ निर्णय है। वो कैसे आ रहा है उस पर अभी नहीं जा रहा है, उसको स्टेप 5 में देखेंगे, लेकिन निर्णय मेरा है, ये एक बार ठीक से दिख जाए।
कि मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय कर रहा हूँ। बाहर की परिस्थितियां ट्रिगर कर सकती हैं, बाहर के व्यक्ति से कुछ ट्रिगर हो सकता है, लेकिन निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। ये बात अगर क्लियर हो जाए तो मुझे स्वयं पर काम करना है, ये एक आवश्यकता बनती है, एक प्लेटफॉर्म बनता है। अब तो मुझे स्वयं को ही देखना है, स्वयं पर ही काम करना है। ये फोर्थ स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, इस बात को पहले स्थिरता से देख रहे हैं कि क्या रीजन है मेरे सुख दुख का, कारण क्या है। अगर ये ठीक से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आगे का कार्यक्रम फिर सही से बन पाएगा, स्टेप 5 6 7 को हम और सही से देख पाएंगे। लेकिन अगर अभी ये तय नहीं हुआ है कि मेरे सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है, कभी लगता है परिस्थितियां जिम्मेदार है, कभी लगता है वो व्यक्ति जिम्मेदार है, कभी कभी लगता है मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो अभी ये कभी कभी के अगर ऑप्शन बने हुए हैं तो फिर आगे के स्टेप्स में भी जाना ठीक नहीं है। पहले ये ठीक से तय हो जाए कि जिम्मेदार कौन है। आगे के स्टेप में जाना तभी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है जब मुझे ये क्लियर हो जाए कि अपने सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन इसको मानने की जरूरत नहीं है, उसको हर बार देखिए, करके हम सब लोग देख रहे हैं, हम सब लोग देखना चाहिए कि रियली में मुझे क्या दिखता है जब मैं देखने जाता हूँ रन टाइम पर, मैं ही जिम्मेदार हूँ या दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति जिम्मेदार है। तो इसी को केंद्र में रख के हम लोग ये स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो होमवर्क दिया हुआ है ये हम लोग कर रहे हैं। और इसको करते हुए हमारे में जो दिख रहा है, जो नहीं देख पा रहे हैं, उसकी हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जाते हुए, इस प्रोसेस को करते हुए जितना हम शेयरिंग रखेंगे उतने डिस्कशन से हम सबका है ना कुछ इंसाइट मिलेगी। तो इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपका जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है उसको हम लोग शेयर करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, देखें क्या हमको मिल पाता है। भैया, मैंने अभी मैं से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे मैं घटना शॉर्ट में एकदम शेयर करूंगी कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहता है, ठीक है, और वो हर बारी वो चीज कहता है। अब उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी कहते हैं, वो एक कॉमन सी चीज है जो हर किसी के साथ होता है, बट कोई चीज जब एक्स्ट्रा होती है तो लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जनरली मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट अब क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा कोई चीज हो गई तो माइंड में क्या हुआ, उसका विरोध उठा। अब विरोध उठा तो माइंड में ही वो विचारों में ही चला कि उस ऐसे, अब अगर कोई भी अगर इस चीज को बोले ना तो उसको जवाब देना। फिर जबकि सुबह सारे दिन ये सत्र का चलता है दिमाग में, सुनते हैं तो दिमाग में ये आया कि नहीं, अपने को जवाब नहीं देना है, अपने को मतलब सुन के इग्नोर करके चलना है। फिर भी क्या हुआ, माइंड में दोनों चीजें सेट की, बट जब फिर वो सिचुएशन आई ना तो एकदम से वो जो रिप्लाई जो करने का जो सेट किया था माइंड में वो तुरंत निकला और सामने वाले को एकदम से चुप करा दिया कि वो कुछ जवाब ही ना दे सके। तो अपने में ही सोचने लग गई कि ये क्या किया, मतलब सोचा था कि नहीं करना है, फिर वो कर दिया जो नहीं करने का सोचा था। तो मतलब अपने ही ऊपर कंट्रोल नहीं है, इतना ऑब्जर्वेशन, इतना जो ध्यान दे रहे हैं उसके बाद भी। तो भैया मैंने ये देखा कि संस्कार तो है कि जवाब देने वाले, बट समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दे, इसीलिए जवाब नहीं देते थे। जब माइंड में सेट कर लिया कि हाँ ये जवाब देना है तो दे दिया, तो सहन नहीं करने का संस्कार, तो इसके कारण ये किया। बट माइंड में अभी जो ये दिया कि नहीं बोलना है, वो क्यों नहीं बोला भैया, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई इस चीज को। मैं ऑब्जर्व नहीं, मतलब ऑब्जर्व क्या, मैं ऑब्जर्व तो अभी कर ही नहीं पा रही क्योंकि भाव में भी आ रही हूँ, रिएक्ट भी कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन में ये दोनों चीजें नहीं होती है, अभी तो सिर्फ विचारों को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ भैया। हाँ गलत चली गई, समझ नहीं आया मुझे। भैया मैं अपना जी प्रश्न जी रख जी जी रही, जी 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 उसमें मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ दीदी। मुझे लगता है हम लोग जो बात कह रहे हैं वो ठीक से आप तक पहुँच नहीं पाई है। तो बोलना नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना?
देखिए अल्टीमेटली तो अगर बाहर वाले का ध्यान हम नहीं दिलाएंगे तो वो तो उसी को सही मान के करता ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई हमारा मजाक मजाक में किसी ने मेरा कुछ नाम रख दिया, एक बार उसने बोला, दो बार बोला, हम बोल ही नहीं रहे, तो उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसको तो लगेगा सब ठीक ही चल रहा है, क्योंकि उसका खुद से भी ध्यान नहीं जा रहा है और हम भी ध्यान नहीं दिला पा रहे हैं। तो बोलना नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसमें हम लोग पूरी एक्सरसाइज में इतनी बात कह रहे हैं कि जब बाहर कुछ घटना हो रही है तो एक तो हम अपने में ये देख लें ऑब्जर्व करके कि इससे मेरे में विचार भाव क्या हो रहा है। एक बार दिख जाए कि विरोध का भाव आ रहा है तो उसका ठीक से मूल्यांकन कर लें, ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, इसको एक बार ठीक से मूल्यांकन कर लें, फिर अपने से पूछें अब ये जो आप भाव बन रहा है इससे मैं सुखी हो रहा हूँ दुखी हो रहा हूँ, तो आंसर आपको मिलेगा दुखी हो रहे हैं। दुखी हो रहे हैं तो फिर आप अपने से पूछें इसका निर्णय कौन ले रहा है, उसने कुछ बोला है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, या मैं विरोध का भाव का निर्णय लिया है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। एक बार ये तय हो जाए कि निर्णय मेरे से हो रहा है, उसके बोलने से भाव विचार नहीं चल रहा है, वो कुछ बोलता है फिर मैं कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ, है ना, किसने खराब बोला है उसको पता नहीं चल रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, जो भी है कुछ अपने में निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष से फिर विरोध का भाव चलाने लगते हैं, ये हम चला रहे हैं पहले ये दिख जाए। एक बार अगर ये दिख जाए हम चला रहे हैं तो फिर आगे के स्टेप में उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको भी जस्ट आंसर कर देता हूँ जिससे आपका विरोध वाले भाव से आगे थोड़ा सा बढ़े आप। एक बार ये दिख जाए कि निर्णय मैंने लिया है, विरोध का भाव मेरे में चल रहा है, तो एक सिंपल स्टेप में बता दे रहा हूँ, फिफ्थ स्टेप में उसको हम बहुत इलेबोरेट करेंगे जाके आगे। तो फिर अपने से पूछिए कि विरोध का भाव मुझे सह स्वीकार है या स्नेह का भाव सह स्वीकार है, संबंध का भाव सह स्वीकार है, तो आंसर आएगा स्नेह का भाव सह स्वीकार है, संबंध का भाव सह स्वीकार है। अब इस संबंध के भाव से इस व्यक्ति का ध्यान कैसे दिलाया जाए, उसके लिए विचारों को खूब फैलाइए और अपने में संबंध का भाव बनाए रखते हुए उस व्यक्ति का ध्यान दिलाया जाए। और जब ध्यान दिलाने जा रहे हैं तो हम उससे क्या चाह रहे हैं, किस बात पर वो उसका ध्यान चला जाए, उसको बता रहे हैं या तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी खराब आदत है, इस पर ध्यान दिला रहे हैं। तो मैं ब्रीफली बोल देता हूँ फिर से कि एक बार हम मूल्यांकन करके पहुंच गए, ये तय हो गया कि निर्णय मैंने लिया है, फिर मैं अपने से पूछ ले रहा हूँ अभी, फिर स्टेप 5 में मैं इलेबोरेट करूंगा, जस्ट आपको आंसर देने के लिए भी स्टेप बता दे रहा हूँ। फिर अपने से पूछ लीजिए कि विरोध के भाव का निर्णय तो मैंने ले लिया है लेकिन सह स्वीकार क्या है, विरोध का भाव संबंध का भाव, तो आंसर आएगा संबंध का भाव सह स्वीकार है, स्नेह का भाव सह स्वीकार है। अब इस स्नेह के भाव से उस व्यक्ति का ध्यान कैसे दिलाया जाए, इसका विचार फैलाइए अपने अच्छे से और उसको ठीक से एक्सप्रेस करिए, फिर उतना आप कर देंगे तो उस व्यक्ति का ध्यान चला जाएगा। कैसे पता चलेगा मेरे में विरोध के भाव से मैं विचार फैला रहा हूँ कि स्नेह के भाव से विचार फैला रहा हूँ, एक तो विरोध के भाव से अगर हूँ एक तो मैं अनकंफर्टेबली बना रहूंगा, वो तो हम लोग को दिख ही रहा है, दूसरा विरोध के विचार भाव से अगर विचार फैलाएंगे तो बहुत सारा उसके लिए अन्यथा हो जाए, ऐसा चलने लगेगा, है ना, ये अपने आप क्यों नहीं सोचता है, इसका तो संस्कार ही खराब है, इसकी तो योग्यता क्या है, इसको तो कोई नहीं सुधार सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे चलने लगेगा। लेकिन एक बार अपने में आप पूछ लेंगे और संबंध के भाव से चलाएंगे तो संबंध के भाव से जब चलाएंगे, स्नेह के भाव से चलाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें भी पोटेंशियल है सही को देखने का, कल्पनाशीलता में क्या चलना है इस पर इसका ध्यान नहीं जा रहा है और मेरे बारे में इसका क्या मूल्यांकन है वो अभी सही से कर नहीं पा रहा है, उसका उस पर ध्यान दिला दीजिए स्नेहपूर्वक, इतना ध्यान दिला देंगे तो आप भी आराम में रहें और उसका भी ध्यान चला जाएगा धीरे सबे, ये पूरी बात है दीदी, बताइए। जी भैया, इसको मुझे और समझना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है, जब मैंने सोचा जवाब नहीं देना है, इसलिए नहीं, मुझे मैंने वो रिएक्शन दिया, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, वो ठीक है, वो हो गया बट मेरे अंदर जो मैंने दो डिसीजन लिए थे उसमें से मेरा ये डिसीजन एकदम से जैसे सामने आया, और जो मैंने सोचा था कि नहीं मुझे
बोलना नहीं है, वो क्यों नहीं सामने आया, मुझे बस इसको रिजॉल्व करना है कि ये क्यों नहीं आया और वो क्यों आया, वो नहीं समझ आ रहा देखिए, वो मुझे। इसलिए नहीं आया दीदी, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम अपने में ये चलाते रहते हैं कि विरोध नहीं करना है, तो पूरा ध्यान विरोध में ही बना रहता है। हम अपने में ये नहीं फैला रहे होते हैं कि हमको स्नेह पूर्वक ध्यान दिलाना है, तो हम बार बार वही चीज बोल रहे होते हैं जो हमको नहीं करनी है, तो विरोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सब अपने में चलाते रहते हैं, है ना। हम मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुस्सा कैसे कर सकते हैं, ये सब करके सप्रेस करते रहते हैं। क्या करना है उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो क्या करना है, संबंध का भाव रखना है, संबंध के भाव से विचार चलाना है, संबंध के साथ ध्यान दिलाना है, ये करना है। इस पे ध्यान बना रहेगा तो रन टाइम पे संबंध के भाव से व्यवहार होगा, अदरवाइज ध्यान बना रहेगा कि गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है क्योंकि हम मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पूरा समय आपका विरोध के भाव पे ध्यान बना रहेगा। तो जो करना है वो हमारे भाव विचार में फैलना चाहिए। अभी हम अन्यथा वाला रूट लेते हैं, जो नहीं करना है उसको फैलाते रहते हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, रिएक्शन नहीं करना है, लेकिन जब रन टाइम पे चीजें होती हैं तो करना क्या है, वो तो फैलाया नहीं है, तो जो अंदर फैला है वही बाहर आ जाता है। अच्छा, जिसको ज्यादा फीड किया वही चीज ज्यादा बाहर आती है, क्योंकि और क्या, जब आप फीड ही जाने यही अन कर रहे हैं। जाने में। समझ गई भैया, है ना, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ना, इसीलिए महत्वपूर्ण बात है कि हम एक बार जाके मूल्यांकन करके देख ले रहे हैं, अब उसी को हम भाव विचार में फैला रहे हैं, भाव के साथ विचार में फैला रहे हैं। तो जब उसको फैलाएंगे, हर बार उस पर ध्यान देंगे, तो जो रन टाइम पे भी निकलेगा तो वही निकलेगा जिस पर मेरा ध्यान है ना। फिर वो सहज बात हो जाएगी, किसी ने कुछ कहा और मैं भाव के साथ उसका ध्यान दिला रहा हूँ, यही सहज बात हो जाएगी। अन्यथा वाले पार्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो फिर जब रन टाइम आएगा तो अन्यथा वाला भाग निकल आएगा, है ना दीदी। जी भैया, बताइए। एक एक प्रश्न और। प्रश्न क्या था, वो ऑब्जर्वेशन ही है एक तरह का। भैया, मैंने देखा ये जो एक्सरसाइज 1 का जो स्टेप्स है, ये 1 2 3 4 5, ये जितने भी है, ये ना भैया नीचे से स्टार्ट होते हैं, पहले रिएक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। तो वो जो स्टेप 1 है, ये ऑब्जर्व करने वाला, उस तक तो भैया अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि नीचे में ही अटक के रह जा रहे हैं, कोशिश कर रहे कि जाए उस तक, बट भैया हो ही नहीं पा रहा। विचारों को ही एनालाइज करते रह जा रहे हैं, भाव को तो उतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। भाव दिखता है कि हाँ खराब है, बट वो विचारों में ही उलझ के कहीं रह जाता है। जी, तो देखिए वो रिएक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जब अंदर रिएक्शन जा रहा हो जाता है ना तब तो हमारा ध्यान जाता है, उससे पहले भी ध्यान देने की पॉसिबिलिटी है, जब कुछ नहीं अपने में निगेटिव है तब भी ध्यान देने की पॉसिबिलिटी है। वो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब हम ध्यान देने का अभ्यास नहीं करते हैं, फिर उस ध्यान देने के अभ्यास ना कर पाने के कारण कुछ संस्कारों में ट्रिगर होने लगता है, वो चलने लगता है, फिर भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता है। वो जब हमारी पूरी कल्पनाशीलता को एक असहज विचार या भाव डोमिनेट कर देता है तब हमारा ध्यान जाता है, फिर ध्यान जाता है तो हमें लगता है स्टेप 1 करें, लेकिन तब तक तो आप कूद ही जाते हैं उसमें। अब आप कूद गए और अलग भी होना चाह रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए ध्यान देने का जो अभ्यास है वो तो हर पल हर क्षण करते रहना है, तभी जब उसका बीज से अंकुर निकलेगा ना तभी आप उसको एवेल्युएट कर लेंगे। अभी क्या है, वो बीज से अंकुर निकल आता है, प्लांट बन जाता है, पत्ते निकल आते हैं, उसका फल आने लगता है ना, फिर हम उसको चखने भी लगते हैं, अब फिर हम सोचते हैं ऑब्जर्व भी करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। भैया, बट मैं मुझे तो तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत तो मतलब ध्यान देती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ अपने ऊपर, अपने विचारों पर, अपने भाव पर, टेंशन बना के रखती हूँ। इसके लिए मतलब मेरी प्रायोरिटी यही बना के रखी है मैंने। अभी ऐसे नहीं कि जब मेरे भाव असहज होते हैं तब मैं ध्यान दूँ, सहज हो रहे हैं ना तब भी मेरा ध्यान रहता है कि नहीं मैं क्या, मेरा कहाँ जा रहा है। बट मेरा क्या होता है भैया कि जैसे कोई बहुत ही पुराने कड़े संस्कार है, वो मैं नहीं चेंज कर पाती हूँ, जो मेरे स्वभाव है कुछ, जो मुझे पता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, तो उसको इतनी बुरी तरह से एक्सेप्ट किया हुआ है कि ठीक है, मान्यता दी हुई है,
उस चीज को नहीं कर पाती हूँ, तो अंदर से अपने प्रति विरोध उठता है। तो ये भी लगता है कि अपने अंदर विरोध उठ रहा है तो विरोध भी नहीं उठाना है। तो मतलब बहुत सारी वेस्टेज बहुत चलती है भैया, इतनी वेस्टेज चलती है कि वो सारा कहाँ ऑब्जर्वेशन चालू करती हूँ वो कहाँ गुम हो जाता है, फिर उसको ढूंढ के लाना, इतना ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। भैया क्या मैं ओवर ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ क्या, उसके लिए ऐसे हो रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज ओवर ऑब्जर्वेशन से भी होती है, कभी एक बार थोड़ा छोड़ना चाहिए। मुझे अभी इन दिनों ऐसा फीलिंग आ रही है कि नहीं थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा पॉज लो, ज्यादा हो रहा है इसलिए कि ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही, कंफ्यूज जा रही हूँ पूरी तरह, इतने सारे विचार एक साथ उठ जा रहे हैं। देखिए, उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अपने अन्यथा वाले जो संस्कार है ना, उनको फोर्सफुली हटाना चाह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमको लग रहा है ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इनको जल्दी जल्दी फाइंड आउट करें और इसे खत्म कर दें। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं और उसमें ट्रैप होते रहते हैं, और फिर जब नहीं संभाल पाते हैं तो हमको फिर अपने में दुख भी होता है। तो वो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये वाला केस है तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ग्रेजुअली इवेल्युएट होने दीजिए। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले और आज उसकी इंटेंसिटी लूज होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नंबर 1। आप ये देखिए कि आपका ध्यान पहले से और आज उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ध्यान देने की। अगर ये सब हो रहा है तो ये अच्छी बात हो रही है ना, तो एकदम से संस्कार चला जाएगा ऐसा नहीं होगा, वो तो कई समय का संस्कार है, तो जाने में कई समय भी ले सकता है वो, तो इसलिए उसकी इंटेंसिटी लूज हो रही है। आप हर बार जैसे उठता है, जैसे पहले क्या होता था, उठ गया फैल गया आप देख ही नहीं पाए, अब क्या हो रहा है, उठ रहा है और आप देख पा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए, आप देख पा रहे हैं, इवेल्युएट कर लिया है, भले भी इंटेंसिटी लूज ना हुई हो, एक स्टेप आगे बढ़ गए आप। 4-5 बार आपने प्रक्रिया किया, थोड़ा सा लूज हो गया, एक स्टेप और आगे बढ़ गए आप। तो दोनों चीजों पर ध्यान रख के, जो गेन हो रहा है उस पर भी ध्यान रखते जाए और जो बाकी है उस पर भी ध्यान रखते जाए। वो जनरली क्या होता है, जो गेन हो जाता है उस पर ध्यान हट जाता है, जो नहीं हो पा रहा हमारा उस पर ध्यान शिफ्ट जाता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम रिएक्शन में आ जाते हैं, जी तो भैया उस ये पर तो ध्यान हो दीजिए रहा है कि कि परसेंटेज इंटेंसिटी। कम हुआ है उसका, जिसकी जो जी, तो ये इंटेंसिटी खुशी की बात थी। है, इसमें दुख वाली क्या बात हाँ है, आप बीच में जो एक्सरसाइज और हुई क्या, थी ये ना कि खुशी की बात आपके है। जो ट्रिगर, जी भैया जो वो ट्रिगर पॉइंट्स जो नोट किए थे वो सब सब भी भैया मैंने जी नोट किए, तो उसका मैंने एक बेनिफिट देखा कि जब ट्रिगर पॉइंट नोट किया तो उसमें से एक चीज हुई, और जब हुई ना भैया तो प्रभाव तो आया, ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि प्रभाव में नहीं आई, प्रभाव में आई, पर प्रभाव में आने के बाद है ना उस सर उतना नहीं था, वो बस ऊपर ऊपर से था, मन में ये संकल्प भी चल रहा था कि तुझे तो पता था ऐसे होगा फिर क्यों प्रभाव में आ रही है, तो वो एकदम अप्रभावित हो गया पूरी तरह से कि हाँ ये तो पता है ये होना ही है, तो हल्का सा प्रभाव देके वो चीज चली गई और वो सिचुएशन भी चली गई। ये चीज मैंने देखा, और ये भी देखा कि फिर क्या हुआ, वो सिचुएशन को इतना अच्छे से डील कर लिया, इतना सुंदर तरीके से कि जो बहुत प्रभाव डाल सकता था जैसे पहले होता था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बहुत इजीली सब चीज सॉर्ट आउट मतलब अच्छे से हो गई, मतलब जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति जो इंटेंशन से कर रहा था वो पूरा उसका पूरा फेल हो गया पूरा। तो वो चीज दिखा कि ट्रिगर पॉइंट्स नोट करने से भी बहुत बेनिफिट होता है, तो ये अभी तो हो गया, बट भैया क्या होता है हर बार नहीं होता है इस तरीके से, कभी कभी होता है बहुत प्रभाव डाल देता है और हम उस चीज को नहीं मतलब ओवरकम कर पाते हैं, और इस बार तो हो जाता है, एक कभी नहीं होता है, तो इसका ये कारण बात भी है, मुझे ये समझ में आया कि वो बहुत ज्यादा होता है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा डीप अपने अंदर जाती है, जितना डीप अंदर जाएगी उतना ही उसको निकालना मुश्किल होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज है। क्या भैया मैं सही जा रही हूँ? जी, तभी हो जाता है, जितने आप साफ कर देते हैं फिर वो जितना अंदर है फिर से बाहर आता है, वो तो सफाई रेगुलर करते रहना पड़ेगा। घर में पोछा डेली लगाते हैं कि नहीं? वही वही भैया मैं इस चीज को रिलेट करती हूँ कि जैसे घर की सफाई होती है ना मन की सफाई उससे ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं सही करे ना बात है, बहुत दिक्कत है, बट भैया होती नहीं है, मैं बहुत करती हूँ पर लगता है कि नहीं अभी भी बहुत पड़ा है, थक जाती हूँ बहुत ज्यादा थक जाती हूँ करते करते, ऐसे लगता है देखिए दूसरों का करना तो ख्याल पड़ेगा ही, रखना। जब घर कई दिनों से बंद होता है ना,
तो फिर बहुत मेहनत करके सफाई करनी पड़ती है, कभी कभी 3 4 दिन कंटिन्यूअस करना पड़ता है तब जाके घर चमचमाता है। तो इतने दिनों से बट बंद भैया कर रखा घर के था, केस में तो करते तो तो तीन जने ही चार है। दिन घर के केस में तो 3 4 दिन में हो जाता है, इसका टाइम लिमिट नहीं अरे पता लेकिन है। आप बंद तो बहुत सालों से किए हैं ना, स्टार्ट तो प्रोसेस से किया है, कई सालों से बंद किया है, तो कुछ साल तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है जी भैया ना। बस वही अभी है। तो कई सालों से ध्यान नहीं था, अब ध्यान जा रहा है, जो कई सालों से ध्यान नहीं गया उसमें जो संस्कार की लेयर बन गई है, अब उसको सफाई करने में समय तो लगेगा ही। लेकिन ठीक है, ये तो उत्सव वाली बात है, कितना हो पा रहा है, जी दोनों भैया हाँ बात पे हम इतना ध्यान बनाए तो हो रहा रखें। है। थैंक जी जी बिल्कुल, यू अच्छा। भैया। भैया जैसे अभी ये जो बात आ रही है कि मेरे मेरे सुख या दुख का निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ, तो जब मैंने इसको ऑब्जर्वेशन में देखा तो एक मेरी छोटी सी शेयरिंग है इससे रिलेटेड, फिर मुझे ऐसा दिखना शुरू हुआ है अब कि एक्चुअली हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं, जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं, तो जो हमारी आदत है हम लोगों की कि हम उसके शरीर को देख के उसके समझदारी का अनुमान लगाते हैं। जैसे अगर अगर कोई मतलब मेरा बच्चा है वो मुझे अगर सपोज मार के चला जाता है तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड है या मेरे सिस्टर है वो अगर मुझे कुछ भी बोल दे कुछ भी कर दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लग फिर मैंने मुझे ऐसा पकड़ में आया कि मैं ये समझ के बैठी हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा है इसलिए बाय डिफॉल्ट मैंने मान लिया है कि ये इतना समझदार होगा ही। जबकि अब मुझे ऐसा रियलाइज होना स्टार्ट हुआ है कि हो सकता है कि कोई बहुत छोटा बच्चा हो जिसकी कि समझ बहुत ज्यादा हो और वो उस तरह की गलती ना करे, और ऐसा भी संभव है कि कोई 55 60 साल का इंसान हो जिसकी समझ उतनी ना हो तो वो उस तरह की मिस्टेक्स करे। तो एक तो ये मान्यता थोड़ी सी जो मेरी लोगों को देख के जो मैं ये अनुमान लगाने का जो ट्रेनिंग है हमेशा से कि वो इतने बड़े हैं तो इतने समझदार तो होंगे, और जब वो इतने समझदार हैं तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली जो मान्यता थी वो मुझे अब दिखनी शुरू हुई है, और जब से मुझे ये दिखनी शुरू हुई है तब से जैसे मेरी बेटी है या जो भी है जब भी कभी उनसे कोई ऐसे मिस्टेक होती है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है इनसे गलती हो गई हो। फिर जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं ये समझ के उनसे इंटरेक्ट करती हूँ कि हो सकता है इनसे गलती हो गई हो तो मेरे अंदर विरोध नहीं बनता है। फिर जब मैं उनको किसी भी चीज के लिए बोलती हूँ टोकती हूँ तो वो भी उसको उस तरह से लेके रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उतना ज्यादा उतनी बुरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोध हम में बनता है वो कहीं ना कहीं उन तक ट्रांसफर हो जाता था, और वो उस विरोध को तो उनके लिए प्राइम हो जाता था, जो उन्होंने गलती करी या जो उनका बिहेवियर था वो किनारे चला जाता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सोच है वो मेरे बोलने में मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होती है, और वही सामने जाती थी और सामने से बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स आता था। लोग अपनी मतलब उनकी गलतियां तो किनारे हो जाती थी, और अब जब मैं शांत होके ये समझ के समझदारी के साथ में उनको किसी बात के लिए टोकती हूँ तो फिर उनका ध्यान अपनी गलती पे जाता है और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे तुरंत करें चाहे बाद में करें, और वो मुद्दा जो गलती है उस पर रहता है, वो कोई और किसी और जगह शिफ्ट नहीं हो जाता है। तो भैया ये मुझे ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगी और मतलब मुझे समझ में आया और मेरी एक मान्यता भी दिखी। जी भैया बस मुझे इतना सा ही ऑब्जर्वेशन रखना था। धन्यवाद भैया। बढ़िया है। अभी देखिए, बहुत सारा तो हम शरीर के रेफरेंस में चीज़ों को देखते हैं, अगर ये दिख जाए कि शरीर एक माध्यम है और हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो तो कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, और कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब चीज़ों को देखेंगे तो दिखेगा कि कॉन्शियसनेस में तो कोई छोटा बड़ा एज का तो फैक्टर ही नहीं है। कॉन्शियसनेस में तो सिर्फ इतनी बात है कि उसका सही की तरफ ध्यान गया है कि नहीं गया। सही की तरफ ध्यान जाएगा तो सहज होगा, सरल होगा। सहज सही की तरफ ध्यान नहीं गया है कॉन्शियसनेस में किसी का, तो सहजता सरलता उसमें नहीं दिखेगी, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। तो इतनी बात अगर दिख जाए कि शरीर का मुद्दा नहीं है, ये तो कॉन्शियसनेस का इशू है, और हमको ये दिख जाए कि कॉन्शियसनेस में हर व्यक्ति पहले से सुखी होना चाहता है ना, सुखी होने का पोटेंशियल पहले से है। इतना ध्यान में रखकर अगर हम चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सारा इशू सॉल्व हो जाता है।
वो इतना ध्यान में रखते नहीं है, हम कुछ मान लेते हैं, उस मानने के बेसिस पर हम स्टार्ट करते हैं, हम भी रिएक्शन में आते हैं, दूसरा भी दबाव में जाता है, फिर वो क्रॉस होता रहता है। तो ये अच्छी बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि शरीर से चीजें तय नहीं हो रही है, शरीर में तो क्रियाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी, वो तो कॉन्शियसनेस की स्टेट है। चाहे शरीर से कोई व्यक्ति बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कॉन्शियसनेस की स्टेट से तय हो रही है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमको दिख जाए कॉन्शियसनेस को सेंटर में रख के, तो बहुत सारा इश्यू सॉल्व हो ही सकता है, जैसा आप शेयर कर रहे हैं। जी 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 भैया, अब इश्यू ये है, मतलब जो मेरे साथ मुद्दा है वो ये होता है कि कई बार ये तो ये चीज मैं देख लेती हूँ, मतलब हो जाता है, और कई बार क्या होता है पुरानी ट्रेनिंग मुझ पे हावी हो जाती है, तो उस समय मैं ये चीज देख नहीं पाती, और जब जब नहीं देख पाती हूँ तब तो विरोध होता है और क्लेश होता है। तो ये तो समझ में आ गया है कि मुझे अवेयर रहना है, बट ये मैं हर समय कर नहीं पाती हूँ, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। इसका क्या सलूशन है? देखिए, कम से कम पता चल गया ना कि कई बार मेरे संस्कारों की वजह से मैं नहीं देख पाता हूँ, जी और भैया, जब जब देख पा रहा हूँ तब तक रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ, तो जी कम से कम ये बिल्कुल, पता तो चल गया। तो पता चल गया, अच्छी बात है। उस पर और ध्यान बनाए रखिए, अभी जो दीदी से बात हो रही थी ना पहले, कि वो संस्कार इतना गहरा है कि वो पलट के वापस आ जाता है। जी भैया, तो वही अगर हम ये प्रॉब्लम ध्यान बनाए रखेंगे, हाँ तो और क्या, उसको पलट के आने दीजिए, फिर उस पर ध्यान बनाए रखिए, 1 2 3 4 स्टेप्स, तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि रास्ता पता चल गया है, प्रॉब्लम जी तब है जब जी रास्ता भी नहीं पता किसी को, है सही बात ना। तो रास्ता पता चल गया, एक स्टेप आज हम बढ़ेंगे, कल हो सकता है कि स्टेप आगे बढ़े, हो सकता है 5 दिन बाद 3 स्टेप आगे बढ़ जाए, जी तो भैया, वो स्टेप का बढ़ना धीरे धीरे होता रहेगा, जी तो धीरे धीरे साफ साफ होता रहेगा चीजें। जी भैया, धन्यवाद भैया, सभी को नमस्कार। नमस्ते भैया। भैया मैं क्या है कि इस बार एक्सरसाइज 1 को काफी सीरियस मैं नहीं कर पा रहा जी था इस को। तो जो पहले के 3 स्टेप हैं, यानी कि अपनी आशा विचार इच्छा को देखने वाला, और जी सेकंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप कि उसमें मैं सहज हूँ असहज हूँ, ये तो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो चौथा जी स्टेप है ना, जिसमें ये है कि मैं मेरे भाव विचार मैं ही निर्णय ले रहा हूँ, ये मुझे मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे जी आज सुबह ही जब मैं आ रहा था तो एक पपी जो है वो आके मेरा जैसे पैर उसने चाटना शुरू किया। तो पहले तो मैं उसके साथ स्नेह के भाव में था, फिर एकदम से मुझे लगा कि इससे मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब मैं उसके साथ पहले स्नेह के भाव में था तो मैं आराम में था, मुझे लगा इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैंने पैर झटक के मैं एक तरफ हट गया। तो उसी समय फिर वो दूसरा चीज ट्रिगर हुई है ना, कि मैं उसके अब विरोध में आ गया कि मुझे इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें ये अब जी दो भाव थे, एक बार संबंध का था, एक बार विरोध का था। तो ये मैं कहाँ निर्णय ले रहा हूँ, है ना। ये तो मतलब ये ठीक है कि वो कुत्ता निर्णय नहीं ले रहा है, वो पी चाट रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं अगर निर्णय ले रहा होता तो मेरा कंट्रोल होता ना, कि मैं जो चाहता वो मैं करता। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, ये तो कोई और अपने आप हो रहा है, मतलब कुछ चीज ऐसे हो रही, मेरे कंट्रोल में कहाँ है, मेरी बात पहुंच रही है या मैं, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं जी जी निर्णय लेता हूँ कि जी मैं पैर उठाऊं तो मैं पैर उठा रहा हूँ, मेरा जी कंट्रोल है। तो मेरा कंट्रोल है तो ही है ना कि मैं निर्णय ले रहा हूँ, वहां पे तो मेरा जी कंट्रोल ही नहीं है, कभी वो आ रहा है कभी ऐसा हो रहा है। ये चीज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए भैया प्लीज। जी तो देखिए, अगर फर्स्ट वाले केस को देखेंगे, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में स्नेह का भाव बना हुआ है, अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे विचारों में कुछ अन्यथा आया, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये कहाँ तय हो रहा है, मेरी कॉन्शियसनेस में तय हो रहा है, कहीं और तय हो रहा है? नहीं, मेरे में ही हो रहा है, बाहर से नहीं है। सही बात, मेरे में हो रहा है। तो जो इतना इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि अब मेरा शरीर डैमेज भी हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अब जो मैंने उसको दूर किया है, इसका निर्णय मैंने लिया है, किसी और ने किया है? नहीं, ये तो मैंने ही किया है। मैंने किया है। फिर उसके लिए जो विरोध का भाव आया है कि ये जीभ से तो है, मेरे में इन्फेक्शन भी जा सकता है, उसके लिए जो विरोध का भाव आया, ये मेरे में आया कहीं बाहर हुआ है?
ये भी उसमें मेरे में ही देखेंगे आया। जैसे जैसे, हाँ आपके में आ रहा है, उसमें देखेंगे जैसे जैसे आपके आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसके निष्कर्ष से मेरे में भाव बन जाते हैं, और उस भाव से मेरे विचार, और विचार से फिर एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो उसको दो तरीके हो सकते थे, उसको स्नेह के भाव से भी दूर कर सकते थे कि भाई है ना, ये जीव है, कई जगह जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मैं जाके अपने पैर अच्छे से धो लूंगा, उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ये स्नेह के भाव से भी तय हो सकता था, और विरोध के भाव से भी तय हो सकता था, ये आ कैसे गया, इसने चाट कैसे लिया। तो दोनों ही च्वाइस आपके पास है कि नहीं, है आपने इसे उसमें से एक च्वाइस लिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ वो चॉइस भी मेरी ही है उसको हटाने की, ठीक जी बात। जी तो देखिए ये हाँ बहुत मेरा अच्छी बात है, कंट्रोल नहीं है वो एक अलग कॉन्शियसनेस बात है। में। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कॉन्शियसनेस चॉइसेस के साथ में है, बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास, वो चॉइसेस में जब मैं सही के आधार पर चॉइस लेता हूँ तो अपने में कंफर्टेबल बना रहता हूँ, किसी और आधार पर चॉइस ले लेता हूँ अनकंफर्टेबल होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। उसी को हम लोग स्टेप 5 में भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम ये कम से कम देख पाए कि चीज़ें तो मेरी कॉन्शियसनेस में घटित हो रही है ना, चॉइस मेरे पास दोनों ही थी, लेकिन एक चॉइस का निर्णय मैंने लिया है, तो अगर ये दिख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है, मटेरियल में देखेंगे तो जैसा उसके साथ होगा एक निश्चित नियम के तहत उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, जैसे न्यूटन ने बताया एक्शन हैज ए रिएक्शन। लेकिन चॉइस कॉन्शियसनेस में देखेंगे तो कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है कि कोई बाहर रिएक्ट कर रहा है तो आप रिएक्ट ही करेंगे, कॉन्शियसनेस चॉइसेस के साथ है, कोई बाहर गाली दे रहा है तो आपके पास चॉइस है, आप विरोध के भाव में आकर उसको मार भी सकते हैं, आप दया के भाव के साथ उसको गले भी लगा सकते हैं, ये चॉइस है। तो हम बाउंड नहीं है कि बाहर कुछ होगा और मेरे में कुछ प्रतिक्रिया होगी, इसके लिए बाउंड नहीं है, बाहर कुछ होगा, अब मैं निर्णय पूर्वक चॉइस के साथ बाहर रिफ्लेक्ट हो सकता हूँ, ये चॉइस है मेरे पास। ये बात हमको दिख जाए तब हमको दिखेगा हाँ ये भी चॉइस थी, ये भी चॉइस थी, लेकिन निर्णय तो मैंने लिया इस चॉइस के साथ, तो इस अर्थ में देखेंगे तो फिर निर्णय मेरा हुआ। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा भैया, आप ये सेशन बहुत अच्छा चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं है ना, तो काफी डेप्थ में आप लोग सुन पाते हैं, और आप लोग के प्रश्नों से मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, मैं भी प्रोसेस में हूँ, तो म्यूचुअल ग्रोथ का ही प्रोसेस है ये। जी जी, नमस्ते। जी नमस्ते भैया। भैया कुछ जी चार भैया, पांच दिन की ऑब्जर्वेशन है, तो जी मुझे ये शेयर करना था कि कैसे आपने हर बार वो ध्यान दिलाया तो धीरे धीरे शिफ्ट होता गया, पर उसमें सब कुछ रिजॉल्व हुआ ऐसा नहीं है। तो वो क्वेश्चंस भी हैं। मैं चार जी पांच दिन से लगातार सुपरविजन की ड्यूटी कर रही थी। पहले दिन जब मैं गई क्लास में और वो थोड़ा इधर उधर देख रहे थे तो मैं बहुत विरोध में आ गई थी पहले दिन। तो वो ध्यान आया कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, पर पूरा टाइम उसी में गया, अनकंफर्ट में गया, बस ध्यान आया, उस पर कोई स्टेप किया नहीं। फिर दूसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ तो हुआ है, अगर मैंने कभी सोचा कि इनके साथ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, इनके साथ SIP हुआ नहीं है, कभी अगर मुझे इनके साथ जाकर UHV की बात करनी होगी तो ये तो कितना विरोध में होंगे कि यही जो है वो हमें लिखने नहीं दे रही थी। एक बच्चे ने पूछ भी लिया कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों कर रही हो आप। फिर मैंने उसको उस समय बोला कि मेरा फैमिली का कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं करने दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप करने देंगे क्या, ऐसा बस बोला मैंने उनको। और फिर ये ध्यान आया कि विरोध से मैं ही अनकंफर्टेबल हो गई हूँ। फिर मुझे ये थोड़ा टाइम तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे संबंध भी देखना है और उनको अलाव भी नहीं करना है, तो ये दोनों कैसे साथ हो पाएगा। तो फिर उसको मैं चलाती रही कि ठीक है आएगा खुद ही जवाब। फिर ऐसा हुआ कि मैं अपने में कंफर्टेबल हो गई कि मेरा काम है अभी
इन पर ध्यान देना, और इनका काम है ठीक से पेपर लिखना, तो दोनों का बैलेंस मैं बनाए रखूं। तो तब भी मैं उनको कैच कर रही थी, पर मैं विरोध में नहीं थी, ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। तो उस समय एक बच्चे ने ना कुछ बैड वर्ड्स बोले, अब मतलब वो लिपसिंग मुझे ध्यान आया, बाद में मैं उसके पास से आ गई और अपनी जगह आ गई। फिर मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा कि अभी नया कुछ तो नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा कि वो ऐसे बड़बड़ा रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि रिद्या भी कभी एक दो बार कुछ गड़बड़ वर्ड्स बोली थी, पर वो इतने फनी तरीके से बोली थी कि वो खराब नहीं लगकर उससे मुझे हंसी आई थी। तो वो मुझे समझ आया कि मैं ही मीनिंग दे रही हूँ, तो मैंने सोचा ये भी बच्चा ही है वैसा ही, तो उतना उसका बुरा मुझे भी नहीं लगा उस समय। फिर मुझे आगे लग रहा था, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम बना नहीं, मैं अभी क्या करूं कि मुझे अब आगे इनके लिए क्या प्रोग्राम करना है, कि एग्जाम से पहले जाकर इन सबसे बात करनी है कि आपको अच्छा ड्यूरेशन मिलेगा, उसमें आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, और पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक दिन ऐसी बात हुई, तो मैंने वो जब फैलाया तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी संबंध के भाव से, वो एक बात ध्यान आई। और फिर चौथे दिन कल आपने वैसे बात भी की थी और वो ध्यान में भी आई कि मैं जी अभी भी वो हाउ टू डू वाले पार्ट पर ही हूँ, तो फिर मैं और क्या पॉसिबिलिटी कर सकती हूँ। तो ध्यान आया सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं, हम सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही मुझे उनसे बात करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बात करके भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, मुझे पूरा वो पर्पस की क्लैरिटी तक मैं उनको लेकर जाने में सहायता कर सकूं, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मुझे खड़ा करना होगा। तो इतने तक मैं पहुंच पाई, और एक दो बार मुझे ऐसे लगा कि मेरे इंटेलिजेंस की कमी हो रही है, कि मैं उसको ठीक से फैला नहीं पा रही हूँ जो सही के अर्थ में है, उस पर मुझे लिमिटेशन आ रही है, ऐसा सब चलता रहा भैया जी। अच्छी बात देखिए, हम सबके साथ ये अच्छी बात होने लगी है कि छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी परिस्थितियों में जो घटनाएं हो रही हैं, उन सब से हमारे में क्या चलता है, फिर हम बाहर क्या एक्ट करते हैं, फिर हमारे में क्या चलता है, फिर हम अपने को हैंडल करते हैं, ये प्रक्रिया को हम सब करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। सही गलत क्या है उसको तो अभी देखेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया होने लगी है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर बार बाहर कुछ करते हैं, फिर हमारा अपने ऊपर ध्यान जाता है, अपने ऊपर ध्यान जाता है, फिर बाहर कुछ कर रहे हैं उसकी भी अवेयरनेस बनी रहती है, फिर बाहर कुछ होने से कैसे हमारे भाव चेंज हो रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हम बार बार अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो अच्छा ही है कि अपने में बार बार ध्यान जा रहा है। करने के रूप में देखेंगे तो देखिए, अभी ना लोग को अपना पोटेंशियल नहीं दिखता है, अपनी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है ये नहीं दिख रहा है, मेरे सुख दुख का आधार क्या है ये नहीं दिख रहा है, तो लोग बहुत ही इंडल हो गए हैं बाहर की चीजों में, है ना। तो लोगों को लगता है मेरे मार्क्स अच्छे होंगे तभी मुझे सम्मान मिलेगा, तभी मुझे जॉब मिलेगा, तभी मेरा सुख इंश्योर होगा, तभी मेरी समृद्धि इंश्योर होगी। ये जो अपने में होने वाली चीजें हैं उनको हमने बाहर के बहुत सारे फैक्टर से जोड़ रखा है, और अगर ध्यान से देखेंगे एजुकेशन सिस्टम को तो ऐसे ही डिजाइन है ना। तो मैंने पहले भी इस पर ध्यान दिलाया था, आउटकम सेंट्रिक ज्यादा हो गया है, मार्क्स अच्छे आ गए हैं उस बच्चे को सब अप्रिशिएट करने लगेंगे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में उसने क्या एथिकल किया है, क्या अनएथिकल किया है ना, कितनी बार अपने में अनकंफर्टेबल हुआ है, कितनी बार दूसरों को उसने अनकंफर्टेबल किया है, इसका एवेल्यूशन पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं है, सिर्फ इस बात का एवेल्यूशन है कि मार्क्स आए कि नहीं आए। तो वो आउटकम को ही ध्यान में रख के पूरा सिस्टम डिजाइन हो रहा है, इसलिए उस पूरे प्रोसेस में बच्चा इस बात को देख भी नहीं पाता है कि ये सब करता हुए भी मुझे सहज स्वीकार नहीं है और इसका मुझे दुख भोगना भी पड़ रहा है। अब इन सब चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तो पूरा 6 महीने का अगर सेमेस्टर है तो 4 महीने वो पढ़ भी नहीं रहा है ना, संवेदनाओं में लगा हुआ है, उससे उसके सुख की निरंतरता भी नहीं हो रही है, फिर लास्ट मोमेंट पर उसको लग रहा मार्क्स किसी तरह आ जाए, और मार्क्स आ जाते हैं तो उसके माँ बाप टीचर सब अप्रिशिएट करने लगते हैं।
तो प्रोसेस हमारे ध्यान में भी नहीं है, ना हमारे ध्यान में सिस्टम, हमारे मतलब सिस्टम के ध्यान में, और ना ही जो बच्चे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके ध्यान में है। तो वो प्रोसेस ध्यान में नहीं है, उस पूरी प्रक्रिया में हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब। तो अभी लोग हिसाब किताब भी नहीं कर रहे हैं, है ना, ध्यान भी नहीं जा रहा है, इसलिए लोग बाध्य हो गए। लोगों को लगता है यही तो एक तरीका है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में चॉइसेस के साथ हैं। तो वो एक छोटे से सुख के लिए जो पूरे प्रोसेस में दुखी हो रहे हैं, उसको वो अभी ठीक से देख नहीं पाते हैं, तो उस दुख का भी दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो हमको ये दिख जाए लोग अभी असहाय हैं, है ना, हेल्पलेस हैं, क्योंकि उनको अभी इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए देखिए, ये पूरे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में सही कंटेंट चला जाए, लोगों तक सही पहुंच जाए, इसमें हम सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे यूएचपी में देखेंगे तो एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो शिक्षा व्यवस्था में हो रहा है, और हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सब लोग उसमें भागीदारी भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक एजुकेशन सिस्टम का सही की तरफ ध्यान चला जाए, प्रोसेस की तरफ ध्यान चला जाए, फिर उसके हिसाब से कंटेंट डिजाइन हो, सिलेबस डिजाइन हो, जैसे यूएचपी का एक सिलेबस पूरा डिजाइन है, फिर उसको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो अपने ऊपर उतना काम कर रहे हो और बच्चों का ध्यान दिला पा रहे हो, तब जाकर ये जो हमको छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं इससे मुक्ति संभव है, और उन बच्चों का भी प्रोसेस पे ध्यान चला जाए तो वो भी देख पाएंगे मेरा सुख दुख नंबर से नहीं है, मेरा सुख दुख तो मेरे भाव विचार से तय हो रहा है। मार्क्स आना कहीं आगे जाने के लिए काम कर सकता है, लेकिन उससे सुखी दुखी होने का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब ध्यान दिलाने की आवश्यकता है बड़े लेवल पर, और इन सब में हम जितनी भागीदारी कर सकते हैं हमको करना चाहिए। तो बहुत सारा देखेंगे इस यूएचपी में, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतना सारा काम हो रहा है, इन सब पर अगर हम मन लगा के भागीदारी करते हैं, है ना, भागीदारी को और एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो हमको स्थितियां दिख रही हैं धीरे धीरे ये रिड्यूस होंगी। अल्टीमेटली तो वही रास्ता है, अभी उस बच्चे से हम देखने दे या नहीं देखने दे, उससे उसका सुखी दुखी ना कोई मतलब नहीं है। उसको यही क्लियर नहीं होगा अभी कि मेरा सुख दुख मेरे भाव और विचार के आधार पर है। तो अगर हम उसके लिए कुछ कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, आपसे खुश हो जाएगा, आप नहीं करने देंगे तो वही बच्चा आपसे दुखी होने लगेगा, अपशब्द बोलने लगेगा। अल्टीमेटली तो बच्चे का ये ध्यान जाए, सभी का ये ध्यान जाए कि मेरा सुख दुख इस बात से नहीं है कि कौन मेरे लिए कंड्यूसिव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मेरा सुख दुख तो मेरे में होने वाले विचार भाव से है, और उस विचार भाव का निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। इतना ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। तो अगर एक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक से ये बात स्प्रेड हो पाती है तो हर व्यक्ति पर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, फिर उसमें हर बच्चे तक इस बात का ध्यान चला जाए, तो उनको ये विश्वास आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मेरे दुख को मैं खुद दूर कर सकता हूँ, मैं अपनी आवश्यकताओं को समझ करके समृद्धि को पूरा कर सकता हूँ, मैं संबंध को समझ करके, है ना, एक म्यूचुअली फुलफिलिंग मैनर में जी सकता हूँ, मैं अस्तित्व को समझ करके स्थिर हो सकता हूँ, ये सब बात विश्वास बच्चों में आने लगेगा, तो फिर वो बच्चे इस तरह की जो प्रैक्टिस है ना उससे मुक्त होने लगेंगे। और उसमें हम सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, तो भाई तो हम सब लोग जो है कुछ ना कुछ उसमें भागीदारी करें, तो हमारी भागीदारी से बड़ी व्यवस्था में हम भागीदारी करेंगे, तो ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं ये सब व्यवस्थित होने लगेंगी, मनुष्य के रूप में मैं देखूँ तो, कॉन्शियसनेस के रूप में। और व्यवस्थित होने में भी देखेंगे तो शरीर पहले से व्यवस्थित है, एक व्यवस्था के तहत चल रहा है, B1 ब्लॉक देखेंगे व्यवस्थित है, दिखते ही उसमें व्यवस्था है, केवल कल्पनाशीलता में ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। तो हम सब अगर एफर्ट लगाएंगे, भागीदारी को बढ़ाएंगे, तो इन सब का भी ध्यान चला ही जाएगा देर सवेर। जी दीदी, जी भैया, आज के सारे डिस्कशन में मुझे छोटा छोटा ऐसे आंसर भी मिलता रहा, और आपकी अभी की बात से वो पूरा थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। और इतने दिन मुझे लगता जो लगता था मेरा पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड मैं करना चाहती थी, वो अभी फैलाव धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है। कितना कर पाऊंगी वो आगे की बात है, लेकिन ये इतना बड़ा
इम्पोर्टेंट काम करना है लाइफ में, ऐसे लग रहा है। तो बहुत थैंक यू सही भैया। बात, तो समय तो होने वाला है। फिर मैं स्टेप 5 को ब्रीफली रख दूंगा, फिर स्टेप 5 को हम लोग है ना कुछ दिन लगा के अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि तो वहां से और भी चीजें क्लियर होंगी। ये जो हम बार बार बोल रहे हैं हमारा निर्णय हम ही ले रहे हैं, फिर किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, और जितना जितना उसमें क्लियरिटी बनती जाएगी उतना उतना हमारा जो निर्णय लेने का रेफरेंस है वो सही के लिए सेट होता जाएगा। और एक बार वो सही के लिए सेट होता जाएगा तो अन्यथा जो बना हुआ है, जो अन्यथा जगह से निर्णय हो रहे हैं, उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए पूरे प्रोसेस में देखेंगे हम लोग बहुत स्टेप वाइज चल रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, है ना। सीधे स्टेप 5 की भी बात कर सकते थे, लेकिन जब तक ये बात तय नहीं हुई है कि मेरे भाव बीज रूप में है मेरे निर्णय के पीछे, और उस भाव का जिम्मेदारी, निर्णय की जिम्मेदारी मेरी है, ये बात तय होने के साथ स्टेप 5, 6, 7 ज़्यादा यूजफुल है उसको समझना। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में ये 1, 2, 3, 4 स्किप कर देंगे और सीधे 5 पर पहुंचने लगेंगे तो उतना फ्रूटफुलनेस उसका नहीं दिखाई देगा। इसीलिए है ना हम सब लोग बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो स्टेप 5 को जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम लोग कल से इस पर और डिटेल करेंगे, इसको बहुत गहराई से ओपन करेंगे। तो स्टेप 4 में हमने ये देखा है कि इस क्षण मेरे में जो भाव है उसका निर्णय तो मैं स्वयं ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम नहीं देख पाए हैं तो उसको मान मत लीजिए कि मैं ही ले रहा हूँ। इसको मैं बार बार ध्यान दिलाऊंगा कि एक बार देख लेना जरूरी है कि रियली मैं ही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। वो बहुत सारी चीजें अगर मान लेंगे कि हाँ मैं ही ले रहा हूँ, मैं ही मेरे दुख का कारण हूँ, तो उससे मूल्यांकन वाला काम ठीक से नहीं होगा, परिमार्जन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो चीजों का एज इट इज मान मत लीजिए, उसको देखिए, देखना भी हमको है क्या रियली में मुझे ऐसा लग रहा है इस समय कि मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। जब ऐसा दिख जाए कि हाँ मैं ही निर्णय ले रहा हूँ, तब हम लोग इस स्टेप 5 को भी करें और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि निर्णय मैंने लिया ये तो ठीक है, लेकिन किस आधार पर लिया है, कैसे मैंने निर्णय ले लिया है। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो या तो समझ के आधार पर निर्णय लिया है या समझ के अभाव में किसी मान्यता से निर्णय लिया गया है। तो जब भी मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ तो मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे सहज स्वीकार होते हैं, है ना। तो समय सही समझ से जो निर्णय होंगे उससे जो भाव बनेगा, उससे जो विचार बनेगा वो भी सही होगा, और उससे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। अन्यथा अगर मैं किसी से निर्णय ले लेता हूँ, अपनी मान्यताओं के आधार पर निर्णय ले लेता हूँ, तब ये निश्चित नहीं रहता है कि वो निर्णय किस भाव के पक्ष में जाएगा। तो मान्यताओं से वो सही के पक्ष में भी जा सकता है, अन्यथा पक्ष में भी जा सकता है। तो जो भाव मुझे सहज स्वीकार होते हैं उनके पक्ष में या किसी और भाव के पक्ष में मेरी स्थिति क्या होगी, इसकी निश्चितता नहीं रहती है। मैं आराम में रहूंगा, परेशान में रहूंगा, अंतर्द्वंद में चलूंगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं रहती है। लेकिन अगर सही समझ के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूँ तो उसमें एक निश्चितता रहेगी, उससे भाव की निश्चितता रहेगी, विचार की निश्चितता रहेगी, एक निश्चितता अपने में दिखेगी। तो इससे एक बात यह समझ में आती है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना, ये भी एक हमारी आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैं अपने से पूछूं कि मैं निश्चित भाव के साथ जीना चाहता हूं, अनिश्चित भाव के साथ क्या सहज स्वीकार है, आंसर तो यही निकल के आता है कि निश्चित भाव के साथ जीना ही सहज स्वीकार है। फिर अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं जी पा रहा हूं निश्चित भाव से, क्योंकि निर्णय मान्यताओं से भी हो जाते हैं, तो एक बार ये दिख जाए कि मेरे भाव का जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो समझ के आधार पर है या मान्यता के आधार पर है, इतनी बात और क्लियर हो जाए फिर हम लोग इस पर और काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में एक्सपेंड करेंगे। तो अब जब आप शेयरिंग करेंगे तो अब मैं जब उस शेयरिंग में कुछ रिस्पॉन्स करूंगा तो मैं स्टेप 5 तक को इंक्लूड करके रिस्पॉन्स करूंगा, और आप भी जब ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं तो उसको देखिए कि आप ये सारी स्टेप्स अपने में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और निर्णय मैं ही ले रहा हूँ ये ठीक से देख पाए कि नहीं देख पाए। देख पा रहे हैं तो अपने से पूछिए फिर उसका आधार क्या है, समझ है या मान्यता है। तो अभी हम लोग यही रोक लेते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे, कल से हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे।